लोग मोहब्बत के भूखे हैं, तुम फतवे देना शुरू कर देते। जुनैद जमशेद का के बारे में मुझे पता चला कि साथी उसके घर खाना नहीं खाते कि हराम कमाई, तो वो बहुत डिसहार्टेड है। नया नया तबलीग में आ रहा था, मेरा आगे कहीं सफर था, जमात में जा रहे थे, कराची से आगे जाना था, तो मैंने उसे फोन किया कि मैं आ रहा हूं, मैं खाना तेरे घर खाऊंगा। तो वो कहने लगा मेरे घर, मैंने कहा हाँ तुम्हारे घर। फिर कहने लगा मेरे घर, मैंने कहा हाँ तुम्हारे घर। कहा वाकई मेरे घर, मैंने कहा हाँ वाकई तुम्हारे घर। कहिए तो मेरा तो घर तक कोई नहीं खाना खाता, कहते हराम है। मैंने कहा मैं इतना बड़ा मौलवी नहीं हूं, मेरा गुजारा हो जाएगा। कुछ अरसे बाद वो चार महीने के लिए जमात में चल रहा था। लोगों को मोहब्बत। मैं रायगढ़ में बैठा था, एक शख्स आ गया, कहा जी वो मुबारक सिनेमा लाहौर में था, उसका मालिक आ रहा था चंद दिनों से रायगढ़, आज वो कुछ घर से लेकर आया, तो एक दी वहां किसी रायगढ़ में किसी को पेश की, तो उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाता, आपकी कमाई हराम है। तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा, मैंने कहा उसे ले आओ जल्दी से मेरे पास। वो उसको लेकर आए, तो मैंने कहा जी क्या नाम है? कहा जी हारून। क्या करते हो? तो उसने सर यूं कर लिया, मुझे छोटा सा बिजनेस है। मैंने कहा क्या बिजनेस है? छोटा मोटा बिजनेस। मैंने कहा भाई बताओ तो सही। कहा सिनेमा है, सिनेमा है। मैंने कहा कौन सा सिनेमा? मुबारक सिनेमा। मुबारक, मैंने कहा मुबारक, हाँ वो जिसमें शमा परवाना मैंने देखी थी, वो मुबारक साहब उसके जो ओनर थे, पहले उनकी फोटो आती थी, मर गए थे वो, उनका सैड म्यूजिक चलता था, बाद में फिल्म चलती थी, वो मुझे ऐसे देखने लगा, ये क्या कह रहा है? और मैंने उसे यूं दोस्ती लगाई, दिन के बाद देखा तो इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ चार महीने लगा। लोग फतवे देने में बड़ी जल्दी करते, बदगुमान बड़ी जल्दी होते, किसी में 100 खूबियां हो, एक कमी हो, सारी पे कांटा फेर देते। मैं अपने डेरे में था, एक इंजीनियर पढ़ा लिखा बड़ा आ गया, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, तुम तबलीग वाले जो है ऊपर से कुछ हो अंदर से कुछ हो, ये करते ये करते ये करते, शुरू शुरू शुरू। मेरे डेरे में था, मुझे बोलना नहीं था, मेरा मेहमान था, मेहमान तो जूता भी मारे तो हमें सहने का हुक्म है, मैं चुप करके सुनता रहा। जब वो सारा कुछ बोल बैठा तो मैंने कहा भाई साहब अल्लाह ताला ने परफेक्शन नहीं मांगी, काउंटिंग कहा है, काउंटिंग करूंगा। 100 नंबर नहीं मांगे, कहा है मैं काउंटिंग करूंगा, अगर तुम्हारे 51 हुए तो बाकी माफ कर दूंगा। तो जो गुना ऐब सवाब आप बता रहे हैं, मुमकिन है अल्लाह माफ कर दे उन नेकियों की वजह से जो तबलीग वाले कर रहे हैं। और किसी को बुरा कहना ये अपने बुरा होने की पहली निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया किसी के बुरा होने के लिए यही काफी है कि दूसरे को बुरा कहे। ये मैं उसे नहीं कहा, ये वैसे आपको बता रहा हूं, उसको ये मैंने नहीं कहा, आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे नबी ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि दूसरों को बुरा समझो। मैंने कहा अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, काउंटिंग। और मैंने कहा ये जो हुकूमत पाकिस्तान है ये कोई इतनी अच्छी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये भी अपने रियाया के लिए इतनी रहम दिल है कि जो लड़का 33 नंबर ले उसको पास कर देते हैं, 67 नंबर नहीं लिए कोई भी नहीं कहता कि तू फेल है, सब कहते तू पास है, तू पास है, तू पास है, फेल होने का ताना कोई नहीं दे सकता, पास है, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह इस हुकूमत पाकिस्तान से करोड़ों गुना ज्यादा मेहरबान है, पता नहीं कौन सी नेकी पे मेहरबान अगर जाओ। लेकिन जो का मिजाज बन गया है तनकीद तनकीद, यहां तक एक कहने लो जी देखो जी नूर जहां 27 रमजान मर गई, शब कदर मर गए, मैं कहा अल्लाह ते केस करो हूं जा, अल्लाह ते मुकदमा करो भाई, नूर जहां 27 रमजान को क्यों मर गई? 27 रमजान को कोई आदमी अपनी मर्जी से मर सकता है? इतनी मुकद्दस रात, इतना मुकद्दस दिन, तो कोई बात तो अल्लाह को पसंद आई जो उसकी मौत दी। लेकिन हमारी आदत बन गई है कमियां पकड़ना, टॉन्टिंग करना, छलनी कर देना सीना,
अपने आप धुन रे धुन ये अपनी धुन, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। क्यों औरों के ऐब देख देख खुद भी अपने गैज़ो गज़ब में और अपने हसद का शिकार और कभी बुग़ज़ का शिकार, अरे अंधे बन जाओगा, मुझे कुछ नहीं नजर आता, मैं सिर्फ ऐब मैं सिर्फ खूबियां देखूंगा, ऐब नहीं देखूंगा। लोगों को करीब करो, प्यार करो, मोहब्बत